अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। अभी मैं छत पर आया, पहले भी आके गया हूँ और ये जो घास वगैरह डाली थी तो इनकी ख़त्म हो गई है सब कुछ। और ये जो हमारे छत की हालत है ये देखें, ये जो है ये मुर्गियाँ है ना, ये सब इन्होंने किया है ये सब देखें। करूँगा जब मैं घर पे मौजूद हूँगा तभी खोलूँगा, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहे इस तरह से। अभी इन्होंने पहले तो जब मैं होता हूँ ऊपर तो ये वहाँ होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो फिर ये बात मतलब जहाँ से जाता हूँ तो ये फिर इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये पूरे छत में आ जाते हैं और इतनी गंदगी करते हैं, इतनी गंदगी करते हैं। और साथ सब खुले होते हैं तो अभी वहाँ आते हैं, तो अभी इनको मैंने तकरीबन को बंद रखा हुआ है। अभी इसको भी मैं वहाँ बंद कर दूँगा जब ये ही खुला रहता है बस यहाँ पे तो ज़्यादातर अब। और जो है ये जो है इनको भी खोलूँगा तो इसको वहाँ बंद कर दूँगा फिर खोल दूँगा। और कोशिश करता हूँ कि एक दो दिन में हमारे तोते यहाँ से चले जाए वापस, तो फिर एक केज हमारा खाली हो जाएगा तो उसमें फिर इसको बंद कर देंगे बारी बारी जब खोलना होता है तो। बाकी जब मैं होता हूँ तो तकरीबन सबको साथ खोल देता हूँ ये छोटे वालों के अलावा। और अभी तो फिलहाल मैं छत पे जा रहा था ऊपर की तरफ, ये चावल वगैरह है तो ऊपर वाली मुर्गी चूजे वाली को और अपना जो तीन चूजे ऊपर है उनको डाल देता हूँ। वहाँ मेरा दिन में दो दफ़ा जाना होता है, ज़्यादा मैं वहाँ बैठता नहीं हूँ तो उसकी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता। बाकी जो है मैं यहीं होता हूँ क्योंकि यहाँ बैठा होता हूँ इनको देख रहा होता हूँ। बाकी ऊपर मैं जाता हूँ फिर दाना पानी करता हूँ और उनकी हेल्थ वेल्थ देखता हूँ कि कोई बीमार बीमार नहीं है, तो फिर इस तरह ही सब चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो अभी तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तोते जाए तो मैं दूसरी चीज़ को ले आऊँ इंशाल्लाह। और अभी एक और चीज़ तो लानी है, वो भी इंशाल्लाह ले आएँगे बहुत जल्द। और अभी तो इनका सब कुछ हो चुका है खाना वगैरह, लेकिन जब मैं इनको बंद करने लगूँगा तो इनको फिर अच्छा खासा खिला के फिर ही बंद करूँगा, ताकि सुबह जब मैं खोलूँ फिर मतलब शाम में, अभी तो दोपहर हो रही है तो शाम में तो फिर मैं इनको खोलूँगा, तो शाम में फिर दोबारा खोल के दाना वगैरह करके इनका फिर बंद करूँगा ताकि सुबह खोलूँ तो ये अंदर भूखे ना रहे। अंदर भी मैं डाल देता हूँ उसको, जब बंद करता हूँ वो वाइट वाले मुर्गे को तो अंदर मैं दाना डाल देता हूँ तो उसका पेट फुल होता है। और इनके भी अभी तक, अभी मैंने इनको खोला नहीं है, अभी से इनके पेट वगैरह जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं। और छोटे वाले को मैं इसलिए नहीं खोलता, वो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है बिल्लियाँ यहाँ ज़्यादा घूम रही है तो इनको भी ज़्यादा देर खोलना नहीं होता क्योंकि इनको भी बिल्लियाँ पकड़ के ले जाती है, बस ये जो बड़े हैं इनको नहीं लेके आती बिल्लियाँ, बाकी छोटे वालों को तो बिल्लियाँ ले जाती है। इसलिए इसके मैं एहतियात करनी पड़ती है कि मौजूद हो तो भी हाजिर रहना पड़ता है, इसलिए मैं इनकी जब खोलता हूँ तब भी वीडियो नहीं बना पाता, तो मुझे इधर भी नज़र रखनी पड़ती है इधर भी नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ से भी बिल्ली आ सकती है, यहाँ से भी बिल्ली आ सकती है, यहाँ से भी बिल्ली आ सकती है, तो कुछ पता नहीं होता। अब ये चार होते हैं, तीन होते हैं, पाँच होते हैं, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाता है कि कैसे संभालूंगा मैं। अब वो मुर्गी वाले चूजों को खोल देता हूँ तो फिर उसमें भी एहतियात करनी पड़ती है, जब मैं मौजूद होता हूँ तो इतनी टेंशन नहीं रहती क्योंकि मुर्गी भी संभालती रहती है उनको, लेकिन फिर भी उसमें भी एहतियात करनी ज़रूरी होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ ऊपर और मैं आया हूँ तकरीबन एक दिन छुट्टी आता है, एक दिन नहीं छूटता क्योंकि यहाँ पर काम वगैरह बहुत होते हैं तो वीडियो बना नहीं पाता। कोशिश करता हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। और अभी तो है फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ऐसा वो है नहीं, काम यहाँ सब ख़त्म हो गया तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर भी दाना पानी करना है, फिर शाम में एक और दफ़ा वहाँ ऊपर दाना पानी करना है। और एक और बात बतानी है कि आप अगर अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इसको। फ़िलहाल तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और ये बताना था कि मेरे चैनल पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, 0 सब्सक्राइबर से माशाल्लाह से अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो थैंक यू आप लोगों का जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और फिलहाल मैं भी आता हूँ ऊपर, अभी जो है मैं ऊपर आया, मैंने इनको दाना वगैरह और कुछ चिप्स वगैरह थे, फ्रेंच फ्राइज वगैरह और ये लूसन वगैरह मैंने काट के इनका बचा के रखा था, वो भी
और उसकी तरह ये प्याला तो बहुत गंदा कर देते हैं, तो वो मैंने भी साफ़ कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पानी भी डाल दिया। फिर अभी सब जगह छांटी कर दूंगा तो मिट्टी एकदम लेवल पे हो जाएगी, तो फिर ये ज़्यादा शायद गंदा ना हो। अभी फ़िलहाल आस पास तो मैंने पानी डाल दिया है ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो। और अभी तो मुझे मुर्गी को भी रखना है, तो मैं पहले मुर्गी को भी रख देता हूँ क्योंकि वो बहुत बेचैन हो रही है, और उसको पानी वगैरह भी रख देता हूँ। तो सबसे पहले इनको मैं कर देता हूँ ओपन। खोलते ही जो है ना वो चूज़े जो है दो वहाँ चले गए हैं, तो उनको भी यहाँ लाना है। और एक चूज़ा तो यहीं था, मैंने बाकी चीज़ें डाल दी है इसमें, थोड़े से चावल थे तो कम चावल थे तो मैंने चूज़ों ये छोटे वाले चूज़ों को डाल दिए। और ये मुर्गी भी इसी तरह करती है, तो सबसे पहले तो मैं ये जो पानी है यहीं डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है ना दाना भी था। और ये अपना देख लें मिट्टी सारी भर देती है ये इसमें, है ना, वहीं फंसे रह गए और वो इधर आना चाह रहे हैं, मैं बुला रहा हूँ आ ही नहीं रहे। वो मुर्गी जब इधर आएगी तो ही वो आ सकते हैं, इस तरह तो वो आएंगे नहीं। तो मैं मुर्गी को ही बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मुर्गी उनको यहाँ लेकर आ जाएगी। उधर चली गई है, अब वो दो चूज़ों के साथ वहाँ, अब ये चूज़े यहाँ आ गए माशाल्लाह से, जो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। चूज़े जो है मुर्गियों के पीछे ही आते हैं, चूज़ों की दुमे भी निकलना शुरू हो गई है माशाल्लाह से, ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनको बस घर के खाने वगैरह खिलाते रहें, दाना वगैरह भी खिलाते रहें, लेकिन घर के ज़्यादा खाना जो होता है बचा हुआ जो होता है वो सब खिलाते रहें, फीड वगैरह खल वगैरह जो होता है सब खिलाते रहें, अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। और ये देखें चूज़े यहाँ, इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ रही है माशाल्लाह से। अभी जो है मैं इनको बंद कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ नीचे, क्योंकि नीचे वगैरह झाड़ू वगैरह लगानी है। वो जो चिपक गया है वो तो उतरेगा नहीं जब तक छत धुलेगा नहीं, तो अभी फ़िलहाल कुछ साफ़ सुथरा तो रहे वहाँ मैं बैठता हूँ। और आज कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने गंदगी कर दी है, फैला फैला के ये लोग बहुत आगे ले गए, तो मुझे आज बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने बोला कि आज इसको निपटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। अभी जो फ़िलहाल यहाँ से झाड़ू लगानी थी वो लगा ली है, और आप देख सकते हो कितना पसीना आ जाता है छोटे छोटे कामों में भी, होता ज़्यादा है लेकिन गर्मी तो लगती है, पंखा चला नहीं सकते अभी, क्योंकि अगर पंखा चला दिया मैंने तो सब कचरा वापस फैलता रहेगा। तो वहाँ पर भी झाड़ू लगानी थी उस तरफ से, वो भी लगा ली। फिर ये कुर्सियाँ वगैरह वहाँ रख के तकरीबन यहाँ झाड़ू वगैरह लग गई है, और बस ये हिस्सा रह गया, ये हम कल करेंगे क्योंकि अभी यहाँ घास वगैरह पड़ी है, ये मुर्गियाँ वगैरह खा लेंगी ये, और अपना बकरे वगैरह का खाना हो गया, पेट देख लें माशाल्लाह से फुल है, और वो देखें कैसे लड़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल वो उस मुर्गी को भी मैं बंद कर देता हूँ दाना खिलाकर, और ये इनको भी मैंने थोड़े फ्रेंच फ्राइज डाल दिए तो ये खा रहे हैं। और अभी ये बहुत लंबी हो गई है, तो फिर अभी मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।